मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या तकलीफ है आपको? क्यों, आप हकीम हैं? आप चाहती क्या हैं? तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों को इश्क का बुखार चढ़ता है ना, जिंदगी की सच्चाई से टकराते ही 2 दिन में उतर जाता है। मेरे प्यार का बुखार मामूली बुखार नहीं है, मियादी बुखार है। एक बार जो चढ़ता है उतरता ही नहीं। कैसे आदमी हो तुम? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। तो क्या करूँ मैं? तुम एक बार हाँ तो करो, बाकी सब मैं कर डालूंगी। क्या कर डालोगी? मिठाई सामने पड़ी है, खाने के बजाय मक्खियाँ उड़ा रहे हो। मैं सड़ी गली मिठाई नहीं खाता। मैं सड़ी हूँ? मैं नहीं, लोग कहते हैं। आई हेट यू, आई लव यू। आई अडोर यू विजय। क्या वो लड़की को? जी वो आती, वो आ गई मेरी बेटी। जी तेरा। उस्मान भाई, ये तो बड़ी अखरू लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं जमी। अम्मा तो तुम्हें कौन सा जमानी है, उधर देखो जो पहले से जमाए बैठे। अरे सच्चाना साहब, जब हमारे बेटों को आपकी बेटी पसंद है तो फिर हमको भी पसंद है। अरे ऐसे कैसे पसंद कर ली, पहले थोड़ी पूछताछ तो करने दीजिए। अच्छा बेटे तो पूछो। अंकल आपसे नहीं, इनसे। पूछो, पूछो। आपको हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर जाना पसंद है? नहीं। पार्टी में जाना तो अच्छा लगता ही होगा? नहीं। पत्ते खेलना आता है? नहीं। ये भी नहीं आता? खैर आपको ब्रेक डांस, टकीला, रंबा संबा डांस तो आता ही होगा? बिल्कुल नहीं। फिर आपको आता क्या है? पढ़ना, घर में सफाई रखना, खाना बनाना, वक्त पर पापा को दवाई देना, वगैरह वगैरह। तो भाई वकील साहब, हमें आपकी लड़की पसंद है। धन्यवाद। राजू मियाँ, हम लोग विजय मियाँ के लिए लड़की पसंद करने आए हैं, आपके लिए नहीं। अगर विजय भैया को किसी वजह से लड़की पसंद नहीं आती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। किससे मिलना है? अरे क्या करता है यार, ये हमारे सुपरवाइजर साहब के पिताजी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। माफ कीजिएगा साहब, क्या करें, हर आने जाने वाले को चेक करना ही पड़ता है। ठीक है भाई, तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। राजू बेटा जी, तुम यही रुको जी, मैं विजय के दोस्तों को कार्ड बांट के आता हूँ। जी हाँ। हा? Look at this. Aha. With the telescope. And now this is very handy for ladies. Mr. Trikhal, हमको समझ में नहीं आया, काबे में कब्बर रोड, उसका बंदूक तुम हमको कैसा सप्लाई करता है? जिस तरह हम तुम्हें गवर्नमेंट का गोला बारूद सप्लाई करते हैं, और ये नहीं पूछते कि तुम इसका क्या करते हो। क्या करता है? जैसे तुम 1 रुपये का माल 4 रुपये में देता है, हम 4 रुपये का वो ही माल एक्सट्रीमिस्ट लोग को 10 रुपये में देता है। जान, जिस तरह हम रुपया कमा रहे हैं उसी तरह तुम भी कमाओ, लेकिन हमारे घर में झांकने की कोशिश मत करो। बिजनेस की बात करता है। ससुर जी, इनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, बताई दीजिए वरना ये अपनी पेंट गंदी कर देगा। क्या बोला तुम? मिस्टर जॉन, ये हमारे दामाद डीपी सिंह हैं। किसको गोला बारूद का लाइसेंस देना है उसका फैसला मैं करता हूँ। आई सी, चोर चोर मोसरा भाई। विजय बेड से देखा। चलो पीछे दरवाजा। हाँ, अच्छा जा रहे हो साहब? हाँ? आपको चेक करना पड़ेगा। पिताजी डरो मत बेटा, इनका काम ही है चेक करना, डरो मत। कुछ करियो भाई, अगर तलाशी लेनी तो आप ले लेते, इस कुत्ते की क्या जरूरत थी? साहब इंसान हमें तो धोखा दे सकता है, इन कुत्तों को नहीं।
अगर आपके जिस्म से बारूद की बू आ जाती तो ये आपको फाड़ कर खा जाते। तो मैं चलूं? हाँ जी। हेलो गार्ड जी साहब, विजय आया है क्या? उनके पिताजी जरूर आए थे, चले गए साहब। पिताजी आए थे? जी साहब। हेलो, क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बहुत शोर है यहाँ पे। अरे फोन विजय को दो। अच्छा एक मिनट ठहरो, मैं दरवाजा बंद करके आ जाऊँ, एक मिनट। हेलो सुनो तो, हेलो थैंक यू। भाई साहब आपका बैग। शारदा क्या? शारदा हमारी जान खतरे में। विजय का भाई, भाई यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या हो गया विजय? तुम बोलते क्यों नहीं विजय? विजय बेटे, मैं तुम्हारे माँ बाप और भाई की जिंदगियां तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें बेगुनाही की सजा ना भुगतनी पड़े। योर ऑनर, ये मुकदमा झूठा है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। कोई भी बेटा अपनी माँ की जान नहीं ले सकता, अपने बाप की सांसें नहीं छीन सकता, अपने छोटे भाई को कफन नहीं पहना सकता। योर ऑनर, हर हादसे के पीछे कोई सबब होता है, कोई वजह होती है, और यहां तो कोई वजह भी नहीं है। फिर विजय श्रीवास्तव अपने माँ बाप और भाई का खून क्यों करेगा? इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ सारे इल्जाम वापस लिए जाएं और इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मीराट, अपने मुवक्किल के लिए दलीलें पेश करते करते मिस्टर सक्सेना का गला भराया, आंखें नम हो गई। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा मीराट कि अदालत में ना तो आंसुओं की कोई कीमत है और ना ही जज्बातों की कोई कद्र, लिहाजा हकीकत को अफसाना बनाकर ना पेश किया जाए, हकीकत को हकीकत ही रहने दिया जाए। और हकीकत यह है कि जिस बारूद के ढेर से तीन बेगुनाहों की जानें गईं, वो बारूद कहां पाया गया? विजय श्रीवास्तव के बैग में। वो बारूद जो हाईली एक्सप्लोसिव क्वालिटी का था, किसी पटाखे की दुकान से नहीं लाया गया था योर ऑनर, बल्कि मिस्टर त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लाया गया था, जिसके गोदाउन के इंचार्ज और कोई नहीं विजय श्रीवास्तव थे। क्या अब भी ये बताना बाकी रह गया है कि ये आदमी अपने माँ बाप और भाई की मौत का जिम्मेदार है? मीलॉट, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जो सबकी जबान पर ताला लगा देगा। मिस्टर त्रिकाल,
आपकी फैक्ट्री से बना बारूद या बारूद से बना बॉम्ब बाहर कहां कहां जाता है? जहां गवर्नमेंट की सप्लाई का ऑर्डर होता है। ये बारूद किसकी निगरानी में बाहर जाता है? सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर के अलावा और कोई आदमी है? जी कोई नहीं। आपकी फैक्ट्री का सुपरवाइजर है कौन? इसका मतलब ये तो नहीं कि विजय ने खुद अपने घर वालों को। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। उस वक्त हमारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर मिस्टर विजय श्रीवास्तव थे। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड मीलॉर्ड कि फैक्ट्री से बारूद का बाहर आना जाना मिस्टर विजय श्रीवास्तव की देखरेख में होता था, सिर्फ इनकी ही निगरानी में होता था। ये बारूद सिर्फ 28 अप्रैल को ही फैक्ट्री से बाहर नहीं लाया गया था, बल्कि 7 मार्च और 3 अप्रैल को भी लाया गया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मोकिल के खिलाफ झूठ मूठ की कड़ियां जोड़ते जा रहे हैं। मैं कोई कड़ी नहीं जोड़ रहा हूं मिलोट, बल्कि कड़ियां खुद ब खुद अपने आप जुड़ती चली जा रही हैं। जज साहब, अगर मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दीजिए, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम झूठा या सच्चा, इसका फैसला करेगी अदालत, जिसके सामने ये जाहिर हो गया है कि विजय श्रीवास्तव आतंकवादियों को बारूद सप्लाई किया करता था, और ये है वो बैग जिसमें वो बारूद छिपाकर आतंकवादियों को पहुंचाने ही वाला था कि वक्त से पहले बारूद फट गया, एक धमाका हुआ और 3 जिंदगियों का खेल खत्म हो गया। मिलोर्ड, जिस तरह एक चोर का साथी भी चोर होता है, उसी तरह टेररिस्ट को बारूद सप्लाई करने वाला भी टेररिस्ट है। टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है।